Look at this, guys. Fluffy, cheesy, and crispy pizza at home. Yes, guys. आज हम बनाने जा रहे हैं चीज बस पिज्जा। तो पहले हम उसके लिए पिज्जा सॉस तैयार कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए 1 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून ओरिगैनो, सॉल्ट टू टेस्ट, 1 चॉप टमाटो, 30 ग्राम चॉप गार्लिक, 2 पिंच चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 2 टेबलस्पून देगी मिर्च, 1 चॉप्ड ओनियन। मैंने 3 टमाटोज की प्यूरी ली है, मैंने टमाटो को बॉईल करके उन्हें ग्राइंड कर लिया है। और हमें चाहिए ऑयल। हम इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने देंगे। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर चॉप्ड ओनियन ऐड कर लेंगे और इसे सॉट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से सॉट कर लेंगे। अब हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। मैदा और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे देगी मिर्च, चिली फ्लेक्स एंड टमाटो प्यूरी। अब हम टमाटो केचप डाल रहे हैं। ओरिगैनो, अब हम इसमें लिड लगा के 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसका फिर से लिड लगा लेंगे। अभी हमारी पिज्जा सॉस तैयार है। हम इसे ठंडा करके मिक्सर में स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमारी पिज्जा सॉस रेडी है। हमारे जितने काम में आए हम इसे यूज कर सकते हैं, बाकी के हम इस फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना पिज्जा बेस तैयार कर लेते हैं। पहले हम 1.5 कप गुनगुने पानी में 1 टेबलस्पून ड्राई यीस्ट एंड 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि यीस्ट एक्टिव हो जाए। पहले हम एक बाउल में 2 कप मैदा ऐड कर लेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट, हमारी यीस्ट भी एक्टिव हो चुकी है। पहले हम सॉल्ट और मैदा को मिक्स कर लेंगे और जरूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हमारा सॉफ्ट डो रेडी है। हम एक बड़े बर्तन या खुली जगह में इसे 10 मिनट तक स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे ताकि ग्लूटेन एक्टिव हो जाए।
हम बीच में थोड़ा ऑयल भी ऐड करेंगे और फिर से इसे स्ट्रेच एंड फोल्ड करेंगे। अब हमारा डो रेडी है, हम इसे बाउल में रख देंगे और इसमें थोड़ा ऑयल भी ऐड करेंगे और इसे एक वेट क्लॉथ से ढक के 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए मेरा डो रेडी है, कितना फ्लफी है और ये एकदम डबल हो चुका है। पहले मैं अपने डो के डो पार्ट्स कर रही हूँ 60-40 के रेशियो में। पहले वाले को मैं रोलिंग पिन की मदद से सर्कल शेप रोल कर लूंगी और मैंने एक माइक्रोवेव प्लेट ली है, मैंने इस पे ऑयल और मैदा लगा लिया है। मैं इस तरीके से इसके बॉर्डर्स बना लूंगी। अब मैं एक फोक की मदद से इस तरीके से कर रही हूँ। अब हम इस पे चीज लगा लेंगे। अब मैंने ये सेकंड डो से रोल किया था, मैं इस तरीके से रख के इसे सील कर दूंगी। अब हम इस पे पिज्जा सॉस लगाएंगे। अब मैं इसे कैप्सिकम, ओनियन एंड टमाटो से गार्निश कर दूंगी। अब हम इस पे अपनी सेकंड लेयर ऑफ चीज लगाएंगे। अब लास्ट में मैं इस पे ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब हम इसे माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री पर बेक कर लेंगे। पहले हम 180 डिग्री के लिए प्रीहीट कर लेंगे। गाइस ये प्रीहीट हो चुका है। अब हम पिज्जा को कन्वेक्शन मोड पे 180 डिग्री के लिए 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम 15 मिनट में चेक भी कर लेंगे। तो गाइज ये देखिए मेरा पिज्जा 17 मिनट में ही बनके रेडी है और ये कितना फ्लफी भी बना है। हमारा चीज बस पिज्जा रेडी है। लुक एट दिस गाइज, ये कितना चीजी बना है। गाइज आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माय लेटेस्ट अपडेट्स। बाय।